दोस्तों नमस्कार। आजकल सत्यपाल मलिक जो 2018 से 19 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे और बाद में गोवा के राज्यपाल थे, फिर बाद में उनको मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया था, कुछ ज्यादा ही पागल हो गए हैं, पगला गए हैं। वो लगता है झूठे तो शुरू से ही थे। नंबर एक मौका परस्त आदमी है वो। पता नहीं कैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनको अपने पास में रखा हुआ था। आपको याद होगा पिछले हफ्ते उन्होंने मोदी के धुर विरोधी करण थापर को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि पुलवामा की घटना जो है वो भारत सरकार की ही साजिश थी। कुछ इस तरीके से बोला था, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी। और ये भी बोला था कि मोदी साहब करप्शन के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं रहे। उन्होंने इससे पहले मोदी और अमित शाह के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश की थी। करण थापर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बोला कि राम माधव उनके पास में गए थे जब उन्होंने 150 करोड़ वाला रिलायंस इंश्योरेंस वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म कर दिया था, लेकिन तब तक वो चीफ सेक्रेटरी के द्वारा चिट्ठी भिजवा चुके थे कैंसिलेशन की, इसलिए राम माधव कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने ये भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के यहाँ से पूरे करप्शन होते रहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कुबा में जब वो राज्यपाल थे तो उन्होंने वहां के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रधानमंत्री को शिकायत की थी, और उसके बाद उनका इमिडिएटली कुबा से ट्रांसफर कर दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कोई हवाई जहाज नहीं दिया गया और वो एयरफोर्स के एक टूटे फूटे प्लेन के थ्रू नॉर्थ ईस्ट में पहुंचे थे। अब कल भाई साहब ने एक नया झूठ फैलाया है, वो ये है कि दिल्ली में आरके पुरम पुलिस स्टेशन के पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। हुआ यह था कि सीबीआई ने उनको उसी 150 करोड़ का जो उन्होंने घूस का आरोप लगाया था उसके जांच के सिलसिले में इनको बुलाया हुआ है। और ये भाई साहब अब नेताओं के किसानों के नेता बनकर के अपना रोटी सेक रहे हैं। इस बारे में एक छोटी सी न्यूज जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है मैं आपके सामने शेयर करता हूं, देखिए। ये क्या है, ये एक्सप्रेस की न्यूज है। समर्थन मिल रद्द, दिल्ली पुलिस थाने पहुंचे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, पुलिस गिरफ्तारी से इनकार। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के 36 कापों के नेता और सदस्य जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का समर्थन करने के लिए कथित हुए। करीब 30 नेताओं को कथित तौर पर हिरासत में लिया गया। ये 22 अप्रैल को 5:50 की न्यूज है। अभी इस समय 6:56 हुए, मतलब 1 घंटे पहले की न्यूज। हरियाणा और उत्तर प्रदेश कुछ कापों द्वारा घोषणा की जाने के बाद एक दिन बाद कि वे जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल के समर्थन में एक शो आयोजित करेंगे, बैठक शुरू होने से पहले ही बाधित कर दी गई। पुलिस ने कहा कि उन्हें एक बैठक में इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। दिल्ली पुलिस के आरके पुरम इलाके में के ने पार्क में आरोप लगाया गया। मलिक को पुलिस ने आरके पुरम स्टेशन पर गिरफ्तार किया था, इस बार पुलिस ने इनकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी मर्जी से थाने आए थे और अपनी मर्जी से जाने के लिए स्वतंत्र। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कथित रिलायंस बीमा घोटाले मामले में संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए मलिक को बुलाए जाने के एक दिन बाद यह शाम सामने आई है। सुबह 11:30 मलिक के समर्थक पार्क में जमा हो गए। प्रतिभागियों को गर्मी से बचाने के लिए एक सफेद टेंट लगाया गया था, कर्मी बिछाए गए थे और 100 से अधिक कुर्सियां लगाई गई थी। पुलिस ने हालांकि आज को क्षेत्र खाली करने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने उनके पास सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं थी। ये है भाई साहब, इकट्ठा होने वालों में हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के 26 कापों के नेता और सदस्य शामिल थे। इन आयुक्तों ने पुलिस से बात की तो मलिक भी मौजूद थे, उनके बाद बैठक बंद कर दी गई। उसके बाद मलिक थाने पहुंच गए। उन्हें पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को हिरासत में नहीं लिया है, वो अपने समर्थकों के साथ अपने आरके पुरम स्टेशन अपनी इच्छा से आया है और हमने उसे सूचना सूचित कर दिया कि वो अपनी मर्जी से जा सकता है, मनोज सिंह ने कहा। यह है
हालांकि करीब 23 नेताओं को कथित तौर पर हिरासत में लिया गया और पुलिस थाने में ले जाया गया है। जैसे मैंने कल आशंका जताई थी, उनके द्वारा किसानों के पक्ष में दिए गए अनुकरण भाजपा अपनी प्रकृति के अनुसार सरकार के पीछे जा सकती है और जब भी उन्हें सीबीआई का संबंध मिल गया, उन्होंने अपने घर के पास खराब नेताओं का एक कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन पास पुलिस ने उस जगह रोक दिया और सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमें सबको से बहुत सारे फोन आ रहे हैं जो सड़कों में विरोध करना चाहते हैं, सड़कों पर उतरना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करते हुए फिलहाल रुकें। हम आगे के रास्ते के बारे में आपस में विचार विमर्श करेंगे और आपको बताएंगे। शांत रहें लेकिन सतर्क रहें। द वायर के लिए करण थापर के साथ सरकार में लेकिन बात के बाद विकास आया है, जिसमें दावा किया गया है कि फरवरी के पुलवामा हमले के बाद, जिसमें आपके विचार प्रधानमंत्री ने उन कथित खामियों पर चुप रहने के लिए कहा था। ये तो मलिक साहब आजकल बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, पागल हो गए हैं और कुछ भी अंटसंट बके जा रहे हैं। उनको लाइमलाइट में, मतलब मीडिया के लाइमलाइट में रहने की आदत है, जो मैंने बहुत दिनों से उनको ऑब्जर्व किया है, और वो इसीलिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। पहले वो किसान आंदोलन के बारे में भी कोई बकवास कर रहे थे। तो ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट समाचार था जिसको आपके साथ में शेयर करना जरूरी समझा, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।